Like Miley. Oh, yeah. Working like Miley. ये है OnePlus का Android TV 43 इंच। ये अभी भी डिस्पैच होकर अमेजोन से आया है और ये मैंने सेल में इसको परचेज किया था, तो मैं सुनने जा रहा हूँ। इसको अनबॉक्स करना है अभी। पैकिंग ठीक है, इसका स्टैंड जो है ये ऊपर ही रखे हुए हैं। ये कैबिनेट बना हुआ है स्टैंड के लिए, इसमें रखो। स्टैंड की क्वालिटी ठीक है, वैसे है। आइए इसको करते हैं। वो ऊपर प्रोटेक्शन केस लगा रखा है, थर्माकोल का, हैवी थर्माकोल है। ये देखिए शीट भी लगा रखी सामने, बहुत अच्छी शीट लगा रखी स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए। शायद रियलमी ने नहीं दी थी ये शीट। और ये थोड़ा सा है पैकिंग को लेकर OnePlus हमेशा कॉन्शियस रहा है। पैसे निकालने में तो नहीं निकलेगा, तो आपको इस पॉलिसी की मदद से निकालना पड़ेगा। बहुत ही हैवी रिमोट है। ये OnePlus 43 Y सीरीज है। ये है OnePlus का, यहाँ पे बजट OnePlus का है। और इसका रिमोट देख लेते हैं। ये यूजर गाइड, इसको देख के आप फोन का सेटअप बना सकते हैं। रिमोट, बैटरी दी हुई है। OnePlus रियलमी बैटरी नहीं प्रोवाइड करता, करता है शायद। ओके करता होगा। ये बैटरी है बहुत अच्छी क्वालिटी, बैटरी है अच्छी क्वालिटी नहीं है। ये रिमोट है इसका, OnePlus का, इसमें भी बजट बना हुआ है। और कोई डिफरेंस नहीं, सारे स्मार्ट टीवी सब एक जैसे ही हैं। अब इसका स्टैंड कर लूँगा, ये ऐसे आएगा। हमको पेच से कसना पड़ेगा अभी, पेच जो दिए होते हैं इसके स्क्रूज। बट इसमें फिटिंग काफ़ी इजी है, थोड़ा सा रियलमी में कॉम्प्लिकेटेड थी फिटिंग, वो इसमें काफ़ी इजी। स्टैंड को लगा रहे हैं पेस से, स्क्रू से। इसको आपको बड़ा ताकत लगा के लगाना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि इजी वे में लगेगा, इजी नहीं लगेगा। स्टैंड अगर मेटल के देते OnePlus तो थोड़ा सा एक अलग डिफरेंट लुक आता, बट प्लास्टिक स्टैंड देके कॉमन सा लुक आ रहा है। जो सभी मतलब OnePlus को कुछ अलग नहीं कर रहा ये बाकी स्मार्ट टीवी से। यहाँ भी स्टैंड लग चुके, आपको चेक करना है स्टैंड लुक ना कर रही हूँ। रखने के लिए करते हैं पहले जगह, यहाँ हम जो है रख देते हैं इसको। ये पीसेस है और यहाँ पे देखिए साइड में एक USB पोर्ट दिया हुआ है और एक HDMI या और नीचे की साइड बाकी पोर्ट्स हैं। पावर पॉड,
इमोशन। समय टीवी वन प्लस का आइकॉन आ रहा है समय, और ये देखिए एंड्रॉइड का सिंबल आ चुका है समय। और ये देखिए ब्लूटूथ पेयरिंग के लिए आ रहा है, रिमोट से पेयरिंग के लिए। और ये और इसमें आपका जीरो बटन और साइड वाला बटन दबाना है आपको एक साथ। देखिए पेयरिंग हो रही है, पेयर्ड हो चुका है समय रिमोट। और ये देखिए वेलकम का नोट आ चुका है, क्विकली सेटअप टीवी। और यहाँ पे आपका मेंशन किया हुआ है कि फ़ोन पे आप गूगल ऐप खोलिए अपनी, और वहाँ पे ओके गूगल कह के आपको सेटअप माय डिवाइस बोलना है, और टाइप कर सकते हैं या बोल सकते हैं ओके गूगल सेटअप माय डिवाइस। देखिए यहाँ सर्चिंग हो रही है, और देखिए ये वेरीफाई कोड आ गया है कि आप वेरीफाई कर दीजिए, और कनेक्टेड हो चुका है समय। कंटिन्यू विथ योर डिवाइस। और ये वाईफाई से कनेक्टेड हो चुका है समय, क्योंकि मेरे पास वन प्लस का फोन भी है, वन प्लस का टीवी भी है, तो आसानी होगी थोड़ा सा कनेक्ट करने में। ये आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये वन प्लस का फ़ोन भी है और वन प्लस का टीवी। तो मैं प्रेफर करता हूँ वन प्लस की ही प्रोडक्ट, थोड़ा सा रिलायबल होते हैं। पर इसमें आप एक चीज़ देख रहे होंगे, इन्होंने जो साइज पे आपका पैकेजिंग की गई है टेपिंग की, ये उतनी अच्छी नहीं गई। रियल मी में एकदम आपका टेप पता नहीं था, रियल मी में आपका एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ है कि उसमें कोई आप पता नहीं चलता कि अलग से कुछ टेपिंग की गई है। और इनकी टेपिंग देखिए अभी से सब निकल रही है, बरसात में आया थोड़ा पानी पड़ गया है, ये तो हटानी। अब ये देखिए हेल्प इम्प्रूव एंड्रॉइड के लिए आ रहा है, यस करेंगे, कंटिन्यू। और ये देखिए यू वाई सी पर पावर्ड बाई, ये आपको दिखा रहा है टीवी का डेमो थोड़ा सा। और ये टॉक टू गूगल असिस्टेंट का, यहाँ कंट्री सेलेक्ट करेंगे हम इंडिया, हम चाइना के तो हैं नहीं, तो इंडिया ही सेलेक्ट करेंगे। जो थाईलैंड में जा रहे थे कुछ लोग, ये वन प्लस में आपको मिलेगा सिस्टम। इनपुट पासवर्ड, पासवर्ड कोई भी बना के डालिए, पासवर्ड 4 डिजिट का। ये सिस्टम अपडेट आया हुआ है, अब इसे सिस्टम अपडेट हो रहा है, और जैसा यहाँ पे मेंशन किया गया है, डू नॉट टर्न ऑफ टीवी अपडेटिंग अंटिल टा फिनिश। देखिए अपडेट 50% से हो चुका है, हो चुका है, हम इसको रिस्टार्ट करेंगे। देखिए इंस्टॉलिंग और सिस्टम अपडेट चल रहा है समय,
ओपन हो चुका है इस समय। ये भी आपको ये ओपन हो चुका है और जैसे कि यहाँ पे आपका ऐसे होता है और ये देखिए यहाँ मीडिया प्लेयर हो गया आपका, सेटिंग में जाते हैं। डिवाइस प्रेफरेंसेस में जाते हैं। Thank you.